चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ मेरे कुछ जो साड़ी रिव्यूज प्रोजेक्ट है उनके बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी पुरानी साड़ियों से क्या क्या बनवाया है। हम सबके पास ऐसी कुछ साड़ियां होती हैं जिन्हें हम किसी को देना नहीं चाहते और बहुत पहन भी लिए उनको, रखी हुई है, बिल्कुल अच्छी है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या बनवाएं। तो ज्यादातर हम लोग लहंगे बनवा लेते हैं उनसे, तो मैंने ये भी कुछ लहंगे बनवाए हैं और भी चीजें बनवाई हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। और यदि कुछ भी चीज आपको इसमें से पसंद आए, कोई भी डिजाइन, कोई भी आइडिया, तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। और यदि पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनवाया है अपनी पुरानी साड़ियों से। फर्स्ट ड्रेस है वो यही है जो मैंने पहनी हुई है। तो ये एक बिल्कुल प्लेन साड़ी थी और सिर्फ जो इसका पल्ला था उसमें सिर्फ ये बॉर्डर लगी हुई थी और साथ में ये दो फ्लावर थे। तो मैं एक फ्लावर तो इसमें आ गया, दूसरा कटिंग में चला गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या बनवाऊं ऐसा, तो मैंने मेरे टेलर से कहा कि इसे बगैर स्लीव्स के बनाना है और उन्होंने बगैर स्लीव्स के बना के मुझे दी। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी विंटर है तो विंटर में स्लीव्स जरूरी हैं, बगैर स्लीव्स के तो पहन नहीं सकते हम। तो मैंने कहा कि इसमें आप ना स्लीव्स भी जोड़ दो, मगर कुछ ऐसा करो कि जब मुझे निकालना हो तो मैं स्लीव्स निकाल लूं और जब लगाना हो तो लगा लूं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे पाइपिंग लगा के दी है ये। तो इस पाइपिंग से क्या है कि जब भी मुझे निकालना होगा तो बस सिर्फ मुझे एक सिलाई खोलना है और स्लीव निकल जाएंगी और बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि पाइपिंग लगी हुई है, पूरा अच्छी तरह से कवर है, तो मैं वैसे पहन सकती हूँ। और जब मुझे स्लीव लगाना है तो बस एक सिलाई करना है और स्लीव लग जाएंगी। तो ये मेरे लिए दो फायदे हैं इससे कि जब मुझे निकालना हो स्लीव तो मैं निकाल लूंगी और जब पहनना हो तो फिर से दोबारा लगवा लूंगी। तो ये इस तरह की मेरी पूरी एकदम लॉन्ग फ्रॉक है। उसके बाद ये मेरी सेकेंड ड्रेस। तो ये साड़ी भी प्लेन है और इस तरह की इसमें बॉर्डर थी, साथ में इस तरह के बूटे बने हुए हैं इसमें पूरी साड़ी में। तो ये साड़ी मैंने कुछ इस तरह से बनवाई है, चलिए आपको दिखाती हूँ। साइड से मैंने इसे खुला रखा है तो इसे पैक भी करवा सकते हैं, चाहे तो खुला भी रख सकते हैं। तो सामने से कुछ ऐसी डिजाइन है इसकी, पूरा पैक है ये। और पीछे से यहाँ पे डोरी लगी है, मगर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कुछ और हुक वगैरह लगवाऊं ताकि वो ज्यादा अच्छी तरह से फिट रहेगा। थोड़ा सा भी मुझे थोड़ा परेशान करता है वो, मुझे अजीब सी फीलिंग होती है कि कुछ बंधा हुआ है, तो उसे मैं चेंज करवाऊंगी। अगली जो मेरी ड्रेस है वो एक प्लेन और प्रिंटेड दोनों तरह की साड़ी है ये। तो जो हमारी प्लेट बनती है वहां तक ये साड़ी प्लेन थी, एकदम बारीक बारीक इसमें ब्लू कलर के फ्लावर बने हुए हैं एकदम बारीक, और प्लेट के बाद से पल्ले तक इसमें ये डिजाइन थी इस तरह की। तो साथ ही ये इस तरह के फ्लावर बन के आए थे। तो मैंने इसकी कोटी बनवाई है क्योंकि फुल कोटी नहीं बन पा रही थी, पूरी में डिजाइन नहीं आ रही थी, तो मैंने इस तरह से कोटी बनवाई कि साइड में इसे अटैच करवा लिया है। सामने से लगती है कि कोटी पहने हुए है, बस इसमें अटैच है, फुल स्लीव्स बनवाई हूँ। और पूरी ये भी फुल लॉन्ग नहीं है, ये थोड़ी सी कम है। तो ये अम्ब्रेला कट में बनी है ये फ्रॉक, और सामने इसमें डोरी लगवाई हूँ। अभी डोरी में मुझे लटकन वगैरह लगाना है, वो अभी मैंने नहीं लगाए हैं। तरह से बनी है मेरी ये फ्रॉक। और तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कुछ साड़ियों से बनी हुई ड्रेसेस, और भी मैंने ड्रेसेस बनवाई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी। और अभी इतनी ही दिखाई है मैंने आपको। तो कैसे लगी आपको मेरी साड़ी रिव्यूज प्रोजेक्ट, आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं चलती हूँ और जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।